सिद्दीकगंज में सड़क निर्माण नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी धरना जारी रहेगा। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए कई गांवों के लोगों ने सड़क निर्माण के लिए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ग्रामीणों ने शासन और प्रशासन से सड़क निर्माण की मांग की थी, लेकिन सड़क निर्माण नहीं होने पर ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क निर्माण के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है, आश्वासन के बाद भी सड़क निर्माण नहीं हो रहा है। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण होने तक प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी दी। ये तो आज सुबह आई है, लेकिन क्या 60-62 करोड़ रुपए के टेंडर में एक पोकलैंड से काम होगा? एक पोकलैंड मशीन है इतने बड़े ठेकेदार के पास? हमने सुना है कंपनी का ठेका है कोई, क्या एक 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 पोकलैंड है उसके पास? एक पोकलैंड से इतना बड़ा कार्य होगा? इस हिसाब से तो 10 वर्ष और लगेंगे अभी एक पोकलैंड से ही। अभी भी 17 वर्ष लग गए, 10 वर्ष और लग जाएंगे। जिस तरीके से कार्य आज चालू हुआ है, यो भी कोई कार्य नहीं है, कुछ पैसे देकर इस मुद्दे को दबाने के लिए एक पोकलैंड भेजी गई है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।